सो फाइनली दोस्तों बहुत बड़ी वाली शॉकिंग अपडेट लेकर आया हूं आपके बीच। जी हां दोस्तों, मतलब एक तरफ जहां एनिमल सन्नी देओल की फिल्म गदर 2 से पंगे ले रहा था दोस्तों, अब अक्षय सर को क्या हो गया? अक्षय सर पंगा ले रहे हैं गदर 2 से। यार मतलब आप ये बताओ कि अक्षय सर की इतनी फिल्में फ्लॉप गई है, ओटीटी पर रिलीज होके फिर भी पैसा कमा के दे रही है दोस्तों, अक्षय सर को पता नहीं क्या हो गया। ओ माय गॉड का दूसरा पार्ट दोस्तों गदर 2 से पंगा ले रहा है। ओ यार क्यों भाई, मतलब एक इंसान को टक्कर देने के लिए, एक बॉलीवुड के शेर को टक्कर देने के लिए दो दो बंदे सामने आ चुके हैं दोस्तों। यानी कि एक तरफ संदीप जी, एक तरफ अक्षय कुमार जी और एक तरफ रणवीर कपूर साहब। दोस्तों आप सोच सकते हो यार कि मतलब क्या चाहते हो यार। एक तरफ जहां पे ओ माय गॉड फिल्म का दूसरा पार्ट, जो कि ये फिल्म भी काफी अच्छी ब्लॉकबस्टर रही थी दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट आ रहा है। और आपको बता दूं इसके OMG 2 में पंकज त्रिपाठी मेन भूमिका में है, यामी गौतम है और साथ ही साथ अक्षय कुमार भगवान शिव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों पिछली मूवी के अंदर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का रोल अदा किया था दोस्तों, इस फिल्म के अंदर वो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म की कहानी अच्छी हो सकती है, लेकिन दोस्तों एक और ये नई प्रोपेगंडा हिंदू विरोधी फिल्म, लोग ऐसा बोल रहे हैं। सन्नी पाजी को टक्कर देने के लिए दो दो फिल्में तैयार है। भाई क्या हो रहा है यार, क्यों ऐसा कर रहे हो अक्षय सर? थम जाओ यार, OTT पर रिलीज कर दो, जियो सिनेमा पर रिलीज कर दो, वहां अच्छे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। मतलब यार आप एक साथ 3 बड़ी फिल्मों का कमर्शियली नुकसान कर रहे हो यार, इसमें कोई सेंस नहीं है दोस्तों। ये उम्मीद किया जा रहा है कि एनिमल फिल्म के मेकर्स ने ये दावा किया है कि शायद वो गदर 2 से पंगा ना ले, यानी कि अपनी डेट को पोस्टपोन कर सकते हैं, बट ऑफिशियली ये भी अनाउंस नहीं हुआ है। आप समझ सकते हो दोस्तों कि एनिमल को इन 3 बड़ी फिल्मों में से किसी ना किसी को पीछे हटना पड़ेगा और चांसेस 99% लग रहे हैं कि एनिमल पीछे हटेगा दोस्तों, क्योंकि 3 बड़ी फिल्में अगर एक दिन 11 अगस्त को रिलीज हो रही है तो दोस्तों आपको बता दूं फिर इसमें 3 फिल्मों का नुकसान है। और वैसे भी घंटा ही फर्क पड़ता है यार, गदर 2 के सामने जो भी फिल्म रिलीज होगी भाई फ्लॉप होने के पूरे चांस हो जाएंगे। एनिमल इसलिए फ्लॉप होगी क्योंकि दोस्तों गदर 2 एक बहुत बड़ी ब्रांड की फिल्म है दोस्तों, और आज भी लोग ये बोल रहे हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखेंगे। और एनिमल फिल्म पे क्यों जाएगा, यहां तक एनिमल का तो अभी प्री प्रोडक्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों पंगे ले रहे हो यार? संदीप रेड्डी वांगा जी से अनुरोध है, कृपया करके फिल्म को वापस ले लो यार, एक नई डेट चेंज करो यार, इसमें आपका नुकसान है भाई। गदर 2 हिट हो जाएगी क्योंकि उस फिल्म के अंदर इमोशनल फिल्म है और सनी देओल का एक एग्रेसिव कैरेक्टर हम सब ने देखा है यार अपने बचपन के दिनों में। वही बात करूं ओ माय गॉड का दूसरा पार्ट, अभी इन दोनों अक्षय कुमार जी के हालात सही नहीं चल रहे हैं और हो सकता है कि अक्षय कुमार की ये फिल्म जो है, आपको बता दूं दोस्तों कि केप ऑफ गुड फिल्म्स अक्षय कुमार का प्रोडक्शन हाउस है, Viacom 18 के साथ मिलकर एसोसिएशन में ये फिल्म बनाई है और थिएटिकल रिलीज करने की मांग की जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि अक्षय कुमार भी बहुत बड़े सुपरस्टार है, लेकिन दोस्तों उनको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, जल्दबाजी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अभी एक बड़े सदमे से वो निकले हैं। इमरान हाशमी के साथ उनकी फिल्म आई थी सेल्फी, जो कि बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी, और दोस्तों क्या पता ये फिल्म भी एक डिजास्टर साबित हो, हो सकता है इसमें कोई रीमेक कंटेंट हो, हो सकता है कि दोस्तों कुछ लोग इसको बॉयकॉट करें क्योंकि इसमें हिंदू तत्व दिखा रखे हैं, भगवान की फिल्म है, भगवान की चीजें मैथोलॉजी जुड़ी हुई है, तो कुछ ना कुछ तो अपवाद निकलेगा, कुछ ना कुछ तो प्रोपेगेंडा से जुड़ी बातें निकलेगी जो इस फिल्म को विरोधाभासी बनाएगी और लोग इसको बॉयकॉट करने पे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है यार कि गदर 2 वर्सेज OMG 2 वर्सेज एनिमल, इन 3 में से सबका बाप कौन है, कौन बाजी मारेगा? क्या लगता है किसी ना किसी एक फिल्म को पीछे हटना होगा और वो कौन सी फिल्म होगी, एनिमल या OMG 2? क्योंकि गदर 2 नहीं हिलने वाली है। जैसे दोस्तों हमारे संदीप जी के मजबूत पिलर की तरह खड़े रहते हैं, वैसे ही अनिल शर्मा भी अपनी डेट को लेकर खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि फिल्म में आए जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी फिल्म उस दिन ही रिलीज होगी। और आपको बता दूं कि जवान फिल्म की डेट पोस्टपोन हो गई और बड़ी बड़ी मैदान फिल्म की डेट पोस्टपोन हो गई, लेकिन दोस्तों गदर की डेट पोस्टपोन नहीं हुई है। इससे यह पता चलता है कि फिल्म मेकर्स बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी फिल्म के लिए। इससे यह पता चलता है कि फिल्म मेकर्स को पता है कि यह फिल्म एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और दोस्तों जिस बंदे के अंदर ये गट्स है, जिस बंदे के अंदर ये कॉन्फिडेंस है और वो डेट चेंज नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हो दोस्तों फिल्म में कुछ बहुत बड़ी बात होने वाली है और ये फिल्म सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी। दोस्तों कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, कौन सी फिल्म देखोगे अगर 3 फिल्म रिलीज होती है, गदर 2, ओ माय गॉड 2 या एनिमल, कौन सी फिल्म देखोगे दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताओ। और कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आप, लाइक कमेंट करो।
करो और कमेंट जरूर करो यार, कमेंट के बिना मजा नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना।